मध्य प्रदेश में हुए एक बस एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। दुर्घटना खारगोन और धार जिले की सीमा के पास खलघाट में बने नर्मदा पुल की बताई जा रही है। खबर है कि 55 यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिर गई। यह बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौके पर खारगोन धार डीएम और एसपी पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले पर जानकारी देते हुए एसपी खरगोन धर्मवीर सिंह ने बताया 13 शव बाहर निकाल लिए गए हैं जबकि 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बताए गए लोगों में से 5 से 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर है जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के धार में हुआ बस हादसा दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। बचाव कार्य जारी है और स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, जरा सुनिए। पर जो अभी जानकारी आई है तो उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत हो गए, कोई भी उसमें से बचा नहीं। जो नाम निकल के आए हैं वो चेतन रामगोपाल जागीर निवासी गायकला गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान, जगन्नाथ हेमराज जोशी मल्हारगढ़ उदयपुर राजस्थान, प्रकाश रवण चौधरी 48 साल अजमेर जलगांव महाराष्ट्र, अल्लेरिया अमलेर है कोई जगह निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल अमलनेर जलगांव, कमल वर्मा निवाजी पाटिल 55 साल फिलोदा अमलनेर जलगांव। इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको मध्यप्रदेश का कोई नहीं था अभी तक शनाख्त में नहीं आया। और भी सब लोग क्या संख्या थी कि और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए। प्राथमिक तौर पर क्या कारण सामने आ रहा है, कोई ऐलान किया? ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहकी और बहक के फिर नदी में चली गई। पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है जो प्रत्यक्ष दर्शियों से जैसी बात हुई, जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज ने ट्वीट में लिखा, खरगोन में खलघाट में बस के खाई में गिरने से हुई दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिग्वंत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।